चले तो मैं बहुत थक गई। मैं ज्यादा खेल लिया। हाँ टिट्टू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, हाउ आर यू? हाय भावना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बेटा हाउ आर यू? वेरी गुड आंटी, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। गॉड आंटी, यू लुक सो स्लिम एंड आई लव योर हेयर स्टाइल, इट्स वेरी यंग। थैंक यू बेटा। बाय द वे आंटी, विजय अंकल के पीठ का दर्द तो ठीक हो गया ना? हाँ बेटा। भागवत से कहा डैड की पीठ का दर्द था, तीन महीने पहले ही ठीक हो चुका है। रियली? मैं गॉड को जाके जरूर थैंक यू करूंगी। हाउ स्वीट। और आज इतने दिनों बाद क्लब में कैसे? या यू नो व्हाट, इसकी पढ़ाई चल रही थी ना। पढ़ाई? अब प्री मिड टर्म टेस्ट। ओह, सुनैना ने नहीं बताया होगा। यू नो, मेरी बेटी ने तो इस बार भी टॉप किया है पूरी क्लास में। नथिंग मच आंटी, आज उसका 97 out of 100 इन मैथ, 95 out of 100 इन बायोलॉजी, 95 out of 100 इन केमिस्ट्री एंड इन ज्योग्राफी। चिंतन अपनी स्केट हो। हाँ घर जाके पढ़ाई करनी होगी ना। सुनैना, तुम्हें मैथ्स में कितने बैड मार्क्स मिले? बैड मार्क्स? ओह आंटी, शी इज वेरी लकी, 36 out of 100 तो स्टिल पासिंग मार्क्स है। एंड हाँ सुनैना, तो मिसेस मार्जेकर की लास्ट वार्निंग मत भूलना। चलो मॉम, मेरी मैथ्स की ट्यूशन है। बाय बाय गीतू, से यू। बाय सुनैना। कम बेटा। सुनैना क्या ये, व्हाट इज दिस? सुन मॉम, मिड टर्म टेस्ट को कोई सीरियसली नहीं लेता, इसलिए मैंने आप लोग को नहीं बताया। तू यार, अरे इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसको हर सब्जेक्ट में बस 36 मार्क्स मिले। व्हाट रियली? सुने ना। नहीं डैड, हर सब्जेक्ट में नहीं, सिर्फ मैथ्स में, सिर्फ मैथ्स। रियली? एक तो मुझे बताती नहीं, ऊपर से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। भावना के सामने मेरी नाक कटवा दी इसने आज। ये सब स्वागतिका की वजह से हुआ, जान बुझ कर वो टॉपिक आपके सामने शुरू किया। जलती है ना मुझसे? रियली जलना तुझे चाहिए उससे। हर सब्जेक्ट में वो टॉप करती है, बड़ों की इज्जत वो करती है, हर चीज में अच्छी वो है, तुझे सीखना चाहिए उससे कुछ। अरे देखा नहीं कैसे भावना हर फैमिली फंक्शन में उसकी तारीफ करती रहती है। मुझे नहीं बना उस चिपकली जैसा। दैट्स इनफ, आज से तुम्हारा क्लब जाना बंद, टेनिस खेलना भी बंद। नो नो बट्स एंड नो इफ्स, डू यू अंडरस्टैंड मी? ये स्वागतिका की बच्ची ना हमेशा ऐसे ही करती है। लास्ट टाइम में ना जब हमारे घर पे वो डिनर करने आई थी ना, तब भी उसने मेरी चुगली की थी माम के साथ। पता है क्या कहा था? आंटी आपको पता है सुनैना आज फिर क्लास में पनिश हुई। इसलिए मैं किसी भी कजिन को ना यहाँ पे स्कूल में नहीं लाता, ताकि फिर मेरे घर वालों को पता ना चले कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। स्मार्ट। पता है मॉम मुझे हमेशा ना उस स्वागतिका के साथ कंपेयर करती रहती है। स्वागतिका ये, स्वागतिका वो, मैं तंग आ गई हूँ। दैट्स सिंपली बिकॉज स्वागतिका की असलियत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। जैसे वो तेरी वीकनेस पकड़वाती, वैसे तू भी उसकी वीकनेस पकड़वा, सिंपल। लेकिन स्वागतिका किसी में कमजोर कहा है? तो स्टडीज में भी नंबर वन है, मेहनत में नंबर वन, और ड्रामा में नंबर वन, और स्पोर्ट्स में। ओके वी गेट इट। पता है वो मॉम डैड टीचर्स सबके सामने ना एक इनोसेंट पपी जैसे रहती है, पर किसी को ये नहीं पता कि वो पपी नहीं कि बुलडॉग है। अरे यार तुम लोग क्यों उस बेचारे बुलडॉग की इंसल्ट करते हो यार? बेचारा बुलडॉग यार, ही सो स्वीट है यार। टेंशन मत लो, डोंट वरी यार, घर जाओ और आराम से सो जाओ। मत देखो बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो मगर बुरा लिखो।
सुनैना सुनैना उठो, चलो उठो, छोड़ो इसको, चलो उठो। शाम को ना तू सुगु के घर जा रही है। क्यों? अरे क्योंकि वो तुझे मैथ्स पढ़ाएगी। मैंने तेरी भावना मासी से बात कर ली है, तुझे जाना है। स्वागतिका से मैथ्स ट्यूशन? नेवर। कुछ नेवर शेवर नहीं चलेगा, समझी ना। अरे शी सच अ स्वीट गर्ल, और ये उसका ही आइडिया था कि वो तुझे मैथ्स पढ़ाएगी। शाम को 6 बजे सुगु के घर। बैठू मैंने अपने ड्रीम में देखा था। ये 4 सम्स लिख दिए, सॉल्व देम इन 10 मिनट्स, ये तो 0 दे दूंगी। हे ध्यान इधर समझी। वैसे सुने ना, जब स्कूल में सबको पता चलेगा कि तुमने मुझसे हेल्प ली है तो पता है तुम्हें क्या कहेंगी? मेरी चमची। अगर मॉम मुझे फोर्स नहीं करती ना तो मैं ना। डोंट क्राई अबाउट मॉमी, ओके? नाउ सॉल्व दिस सम्स इन 10 मिनट्स। ये तो डोंट बी ओवर स्मार्ट, राइट? बिकॉज़ यू आर सुपर डम। ओह तो बोलो ना डियर, मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन करूंगी। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टॉप इन योर एग्जाम्स, आफ्टर ऑल योर कजिन्स, राइट सुनैना? सुगु बेटा, आपके हिस्ट्री टीचर का कॉल आया है, कुछ हेल्प चाहिए थी उन्हें। ओ मॉमी डियरेस्ट, बेस्ट ऑफ लक कजिन डियरेस्ट। आज मैंने उस खड़ूस मिस मालपेकर को मस्का लगाया। आई हेट माय कजिन सुनैना माथुर। और आईडी कोई किसी की डायरी पढ़ता है क्या? शेम ऑन यू, नो वन रीड्स माय डायरी, यू अंडरस्टैंड दैट? तो तेरे ड्रीम में भी वो सेम डायरी थी और सेम रूम, और उस डायरी में मैंने जो पढ़ा ना उससे तो स्वागतिका की पोली खुल सकती है। काश वो डायरी हमें मिल जाए यार, आई मीन तो हम सबको एक्चुअली बता पाएंगे कि स्वागतिका है क्या। यही मौका है सुनैना, तो बस किसी तरह से ना उसकी वो डायरी चुरा ले और अपनी मॉम को बता दे, उसके बाद देखना तेरी मॉम तुझे कभी भी एटलीस्ट स्वागतिका बनने को नहीं कहेगी। मीना पर वो मुझे अपनी डायरी के पास आने ही नहीं देगी। हम इसके घर जाएं किसी बहाने से। मुझसे ट्यूशन? नो वे, मैंने क्या दुकान खोल रखा है? जाओ अपनी 36 out of 100 वाली सुनैना से सीखो। फूल्स, मैंने कहा था स्वागतिका हम चारों में से किसी एक को भी उस कमरे के पास नहीं आने देगी। शी इज टू सस्पिशियस मैन। एक तरीका है, सिंपल सा आइडिया, मैं और नीना हम दोनों बाइक से चढ़कर स्वागतिका के रूम में